हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, सभी छोटे बड़े भाई बहन। तो जब हम बात प्रोटोजोआ की करते हैं तो इसमें पैरासिटिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं, पैरासिटिज्म इन प्रोटोजोआ। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट वर्ड ही ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है पैरा मतलब बिसाइड और दूसरा है साइटोस मतलब फूड। फूड के ए वाला बी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, लाइक इन दिस वे। ठीक है, अब जो अटैक कर रहा है वो हो गया पैरासाइट, और ये जो बी हो गया ये हो जाएगा इसका होस्ट। तो ये होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की तरह है, इसलिए हम पैरासाइट एंड पैरासिटिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द वर्ड पैरासाइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स पैरा that is beside and cytos that is food, which means eating beside one another. Parasites may be defined as the species which exist at the expense of certain other species, and they are called host and are biologically and economically closely connected with them throughout their lifespan. Parasitism is an association. A parasitism kya hai? एक एसोसिएशन है बिटवीन द पैरासाइट एंड देयर होस्ट। इट मे बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सच काइंड्स दैट वन विच इज़ पैरासाइट लाइव्स एंड फीड्स टेम्पररली और परमानेंटली आइदर इन और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। सो दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर व्हाट पैरासिटिज्म। नाउ पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, सरफेस पे। जब ऊपर होंगे तो इसको बोलेंगे एक्टो, और जब बॉडी के अंदर होंगे तो इसको बोलेंगे एंडो। इज इट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट इसी पे हम डिसाइड करते हैं। पहला है एक्टो पैरासाइट, दोज प्रोटोजोआ विच इनहेबिट द एक्सटर्नल सरफेस, यानी ऊपर वाली सरफेस पे होंगे होस्ट के, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टो पैरासाइट। एग्जाम्पल है हाइड्रामीबा, हाइड्रोक्सीना, हाइड्रा ऑन द एक्टोडर्मल सेल्स ऑफ हाइड्रा। इसी तरह से इक्थियोफ्थीरियस मल्टीफिलिस, इक्थियोफ्थीरियस मल्टीफिलिस बरिंग इन द एपिडर्मिस ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, याद रखें इक्थियो, इक्थियो है ना, इक्थियो मतलब फिश की बात हो रही है, ये याद रखेंगे। सो दीज आर सम बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एक्टो पैरासाइट्स। अब चलिए एंडो पैरासाइट की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ के जो मैक्सिमम पैरासाइट बिहेवियर है ना वो एंडो पैरासाइट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस पैरासाइट विच लाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? एंडो पैरासाइट। और ये चार कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहली कैटेगरी है पैरासाइट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाएंगे। पढ़ते हैं इसको आगे। दोज एंडो पैरासाइट्स विच ड्वेल्व इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द होस्ट आर नोन एज पैरासाइट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जियार्डिया लैम्बलिया, इट इज़ अ फ्लैजेलेटेड पैरासाइट। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक अमीबा पैरासाइट है। इसी तरह से आइसोस्पोरा होमिनिस, ठीक है, या कोक्सीडियन हो गया। बैलेंटीडियम कोलाई, जिससे कि बैलेंटीडियल डिसेंट्री भी होती है, ये एक सिलिएटेड पैरासाइट है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये समझ में आ गया ना। सेकेंड होते हैं जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और इन सबसे एक एक क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं पीजीटी वगैरह में या एलटी वगैरह में। माउथ में यानी जो हमारे मुंह के अंदर होंगे या हमारी कैविटीज़ में होंगे। दोज एंडोपैरासाइट्स विच रिसाइड इन माउथ कैविटी ऑफ द होस्ट इन मैन, एंट अमीबा जिंजिवेलिस, ये जो मसूड़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंड ट्राइकोमोनास टीनेक्स आर फाउंड इन द पॉकेट्स बिटवीन द गम्स एंड टीथ। सी टाइप के जो पैरासाइट हैं, दे आर द पैरासाइट्स ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड दे कॉज सम सीवियर प्रॉब्लम्स। दोज एंडोपैरासाइट्स विच इनहैबिट द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ द होस्ट इन ह्यूमन फीमेल, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस लाइव्स इन द वेजिना।
एंड द फोर्थ कैटेगरी के जो एंडो पैरासाइट हैं उसकी बात करें तो ये हमारे टिश्यू में हो सकते हैं. द प्रेजेंट इन द टिश्यू दोज पैरासाइट्स विच लाइव विद इन टिश्यू ऑफ द होस्ट एंड मे एंटर थ्रू स्किन और फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. स्पीसीज ऑफ ट्रिपैनोसोमा एग्जांपल्स हैं बॉडी टिश्यू में कौन है ट्रिपैनोसोमा लिस्मैनिया प्लास्मोडियम एंड बबेसिया. दे आर द कॉमन ब्लड parasite of the vertebrate. Some species of Emeria and Isospora also occur in the epithelial lining of the gut of their respective host. उनके जो भी respective host है. तीसरे तरह के parasite क्या होते हैं hyper parasite. अच्छा भाई सब ectoparasite endoparasite समझ में आ गया. ये hyper क्या है तो hyper word का मतलब ये होता है ना अधिक है ना इसका मतलब होता है अधि. तो पैरासाइट के ऊपर अगर कोई पैरासाइट प्रेजेंट हो जाए एक पैरासाइट तो है ही अब उस पैरासाइट पर कोई पैरासाइट प्रेजेंट हो जाए तो उसको कहेंगे हाइपर पैरासाइट. समझ लेते हैं. दीज आर प्रोटोजोआ पैरासाइटिंग द स्पीसीज ऑफ अदर पैरासाइटिक प्रोटोजोआ. ऐसे प्रोटोजोआ जो किसी पैरासाइट प्रोटोजोआ पर प्रेजेंट हो जाए उनको कहेंगे हाइपर पैरासाइट्स. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक ज़ेलेरियेला एग्जाम्पल मिलेगा आपको. द ऑपेलिनिड ज़ेलेरियेला विच लाइव्स इन द फ्रॉग्स इंटेस्टाइन इज पैरासिटाइज्ड बाय अ सर्टेन अमीबा. ठीक है यानी किसके द्वारा पैरासिटाइज किया जाएगा अमीबा के द्वारा. कौन ज़ेलेरियेला. इसी तरह से एक और बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है नोजीमा नोटेबिलिस पैरासिटाइज स्फेरोस्पोरा पॉलीमोर्फा. और स्फेरोस्पोरा पॉलीमोर्फा क्या है ये टोड फिश के यूरिनरी ब्लैडर का पैरासाइट है. तो आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी हैं जो दूसरे पैरासाइट प्रोटोजोआ पर अपने आप को पैरासाइट की तरह पहुंचा दे रहे हैं. सो दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ व्हाट हाइपर पैरासाइट्स. पैथोजेनिक पैरासाइट्स की बात करें अब तो पैथोजन वर्ड यहाँ पे जुड़ गया है तो सिंपल से इसका मतलब क्या है भाई ये डिजीज़ कॉज करने वाले हैं. मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक प्रोटोजोन्स डू नॉट कॉज डिजीज कंडीशन इन देयर होस्ट एक्सेप्ट प्रोड्यूसिंग माइनर सिम्टम्स. ऑन द अदर हैंड सर्टन पैरासाइट्स एक्ट एज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन मैन एंड अदर एनिमल्स. सच पैरासाइट्स आर रेफर्ड एज पैथोजेनिक पैरासाइट्स. Important pathogenic parasites are जो कि human being की बात करें यानी man के अंदर अगर present है तो Leishmania donovan, Trypanosoma gambiens, Plasmodium vivax, Entamoeba histolytica, Valentidium coli इस तरह से बहुत सारे होते हैं. Host specificity की बात करें host specificity क्या है कि मतलब जो animal है जो parasite है या मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं protozoa की तो वो पर्टिकुलर होस्ट पर ही प्रेजेंट होगा. क्या ये ज़रूरी है तो मैक्सिमम एनिमल की बात करें पूरे एनिमल किंगडम की ही बात कर लें तो पूरे एनिमल किंगडम की खास बात है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. टू जनरल ट्रेंड्स आर एग्जिबिटेड रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट स्पेसिफिसिटी इन द पैरासिटिक प्रोटोजोआ. फर्स्ट व्हाट सम पैरासाइट्स कैन सक्सेसफुली पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ होस्ट. For example, Trypanosoma, Entamoeba, Emeria belonging to this group. Secondly, some parasites have become restricted to only few specific hosts. Coccidia of the mammals, that is Plasmodium, are such parasites. Transmission के बहुत सारे तरीके होते हैं खासकर प्रोटोजोआ के रिस्पेक्ट में. ठीक है प्रोटोजोअन पैरासाइट्स have different ways of infecting their host. Entamoeba gingivalis is transferred directly from one man to another through mechanical contact like kissing that is called direct transfer. Some such as Entamoeba histolytica, Emeria tinella are transferred by the cyst in water or food which is called contaminative transfer. Contaminated food and water are the best sources for their transfer. Species of Trypanosoma, Plasmodium etc. are transmitted by invertebrate host
विच इज़ नोन एज वॉट इनोकुलेटिव ट्रांसफ़र। तो आप ये वर्ड्स को जरूर याद करते चलेंगे, दीज आर इम्पोर्टेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, चाहे वो किसी भी लेवल पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसमिशन बाई इन्वेजन ऑफ ओवरी एंड एग टेक प्लेस इन द स्पीसीज ऑफ बेबेसिया, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। प्लेसेंटल ट्रांसफरेंस हैज बिन रिपोर्टेड फॉर प्लाज्मोडियम इन मैन, इसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल ट्रांसफर, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अभी ग्रो हो रहा है अपने मदर के यूटरस में और वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में भी बहुत जी भर के वैरायटी प्रेजेंट है यहाँ पे। मैनी पैरासाइट्स सच एज एमेरिया एंड मोनोसिस्टिस हैव ओनली वन होस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, सिर्फ एक ही होस्ट से ये काम चला लेते हैं, एंड ओनली अ पार्ट स्पेंड आउटसाइड ऑफ द होस्ट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स, ये एक ही क्या बोलते हैं स्वामी के भक्त हैं, उसी तरह की कंडीशन है मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स। अदर प्रोटोजोन पैरासाइट लाइक प्लाज्मोडियम ट्रिपैनोसोमा हैव टू और मोर होस्ट बिलोंगिंग वाइडली टू वाइडली सेपरेटेड एनिमल ग्रुप्स। द टू होस्ट आर यूजुअली डेजिग्नेटेड एज, उसमें से जो पहला होगा उसको कहेंगे प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट इन विच द पैरासाइट्स एंसेस्टर इवॉल्व्ड, एंड दूसरा वाला जो होगा सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर विच एक्ट एज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट फॉर दैट पैरासाइट, है ना, ये समझ में आ गया। ओके, दीज पैरासाइट्स, दिस टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर कॉल्ड डाइजेनेटिक, ठीक है, यानी यहाँ दो हैं, एक से ज़्यादा दो हैं, तो डाइजेनेटिक पैरासाइट्स। इफ़ द पैरासाइट अंडरगोज पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन वेक्टर, इट्स ट्रांसमिशन इज कॉल्ड साइक्लिकल, एंड इफ इट्स इट इज़ नॉट द केस देन इट इज़ रेफर्ड एज मैकेनिकल ट्रांसमिशन। समझ में आ रहा है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि डाइजेनेटिक हो फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से ट्रांसफ़र होते हों। मान लीजिए कि बी यहाँ पे डेफिनेट होस्ट है जैसे मैन है, और यहाँ ये क्या है वेक्टर होस्ट है जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ऐसी कोई स्पीसीज जो बी में तो साइकिल कंप्लीट करेगी क्योंकि तो डेफिनेट होस्ट है, मान लीजिए वो प्रोटोजोआ ए में ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ भी उसने लाइफ का कोई साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ भी कोई छोटा मोटा पार्ट उसने किया, चाहे छोटा ही सही लेकिन उसने वो कंप्लीट किया, तब तो उसको साइक्लिकल बोलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि बी में इसने अपनी साइकिल कंप्लीट की और ए ने बस इसको ट्रांसफ़र करने का काम किया, यहाँ कोई इसकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही, कोई स्टेज कंप्लीट नहीं हो रहा, बस ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है, तो इस तरह के जो भी क्या बोलते हैं वेक्टर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल ट्रांसमिशन वाली कैटेगरी में रखेंगे। इज़ इट क्लियर, अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन के बाद फिर हम पहुँचते हैं कहाँ पे, कि इसके अलावा बिसाइड द टू होस्ट सम अदर एनिमल्स मे बी इन्फेक्टेड बाय द पैरासाइट एंड सर्व एज अ सोर्स फॉर इन्फेक्टिंग अदर एनिमल्स, वो सोर्स की तरह होती हैं जैसे डॉग हो गए, पिग हो गए, काऊ हो गए या अदर एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल्स को हम रिजर्वायर होस्ट कहते हैं। भाई रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे क्योंकि अभी तो डेफिनेट होस्ट है नहीं, जैसे ही डेफिनेट होस्ट में आएगा रिजर्वायर से वो फिर डेफिनेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब पैरासाइट्स की बात करें, इफेक्ट ऑफ पैरासाइट्स ऑन देयर होस्ट, जब भी होस्ट में जाएंगे, अब जैसी बात है किसी के घर में कोई पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ही। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन देयर होस्ट टू अ लेसर और ग्रेटर डिग्री, इट डिपेंड्स कि वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है। सम प्रूव टू बी इंजीरियस फॉर देयर होस्ट वाइल अदर प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, सो हर तरह के प्रोटोजोआ यहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एंटामीबा हिस्टोलाइटिका डिस्ट्रॉयज होस्ट लार्ज इंटेस्टाइन कॉजिंग अल्सरेशन, और इसीलिए स्टूल में ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। एमेरिया स्टीरिया इज नोन टू बी कॉज हाइपरप्लेसिया ऑफ द हिपैटिक सेल्स ऑफ द रैबिट्स, मतलब बहुत डिजीज्ड कंडीशंस को भी ये कॉज कर सकते हैं। द कॉक्सीडियन पैरासाइट ऑफ द अर्थ वर्म दैट इज पॉलिमनिया नेबुलोसा ब्रिंग अबाउट
hypertrophy of the sperm mother cells. The malarial parasites of the bird, अब बर्ड की मलेरियल पैरासाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वन. ठीक है, सो पैरासाइट व्हाट मलेरियल पैरासाइट ऑफ द बर्ड विच इज प्लाज्मोडियम गैलिनेसियम, यू मस्ट फाइन ब्लड कैपिलरीज. ओके, किसमें? बर्ड की बात हो रही है ये, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा. तो फाइन ब्लड कैपिलरीज को ये ब्लॉक कर देता है, उसमें कॉगुलेशन कर देता है. सो सिमिलर एग्जाम्पल्स आर नॉट फ्यू बट न्यूमरस इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रोटोजोअन पैरासाइट, और इसको ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में देख सुना और समझ लिया. तो ये तो थे पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स के इफेक्ट, उनके होस्ट के साथ रिलेशनशिप. इसको सीरीज को हम आगे और पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.